जंग नहीं है, हमको कहीं नहीं लग रहा लड़ाई है, नहीं है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। पहले 38 लोग मेयर चुनते थे, अब 17.5 लाख लोग मेयर चुनेंगे, तो निश्चित रूप से जनता साथ देगी। पहले होता था पैसा मैनेजमेंट, वार्ड पार्षद को खरीदते थे, खरीद बिक्री खत्म है, जनता असली चेहरा को चुन के इस बार लाएगी। भूत और भविष्य दोनों का शोध हमें ठीक से करना चाहिए, जन सेवक होना चाहिए। पहले सिलेक्शन से मेयर होता था, अब इलेक्शन से होगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ सरिता नुपानी जी हैं। बताइए कि शुरुआत हो चुका है, अब जंग में उतर आए हैं? एकदम उतर रहे हैं, अब शुरुआत हुई है तो आशीर्वाद मिलेगा जनता का, आगे बढ़ेंगे। भगवान का आशीर्वाद ले ली है, सब लोग साथ में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग साथ है, मेरा मनोबल और बढ़ गया। मनोबल बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। जंग में उतर गए हैं तो लड़ना है, एकदम लड़ना है। क्या कहेंगे आज, क्योंकि आज के सुबह जो है वो अब नॉमिनेशन के लिए आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है? सबका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि मुझे विजयी मिले, उम्मीद तो पूरी है ही, बाकी आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, जनता साथ है तो हम विजयी हैं। समाज सेवी कमल नुपानी जी भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? शुरुआत हो चुका है सर, शुरुआत आगाजा हो चुका है, और निश्चित रूप से जो मैसेज है, जो लोग समझ रहे हैं कि एक अच्छे आदमी को, एक समाज सेवी को इस चेयर पे बैठने की आवश्यकता है ताकि शहर का विकास संभव हो सके, और बस आज आप लोग की दुआ और पूरे पटना वासियों का आशीर्वाद, पूरी जनता का आशीर्वाद साथ में है, बस हम नामिनेशन के लिए निकल पड़े हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया, मैदान में अब उतर गए, अब शुरू होगा जंग। एकदम निश्चित रूप से जंग नहीं है, जंग नहीं, हमको कहीं नहीं लग रहा लड़ाई है, कहीं नहीं है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है, तुलना करती है जनता, क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा नहीं है, ये पटना की जनता का चुनाव है। पहले 38 लोग मेयर चुनते थे, अब 17.5 लाख लोग मेयर चुनेंगे, तो निश्चित रूप से जनता साथ देगी। खुशी दिख रही है, बताइए खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग कि एक सच्चे आदमी जो मेयर का चुनाव के लिए इस बार फाइट कर रहे हैं, और जनता पूरा साथ है। पहले होता था पैसा मैनेजमेंट, पैसा का मैनेजमेंट करते थे मेयर, वार्ड पार्षद को खरीदते थे, वो विकास नहीं होता। खरीद बिक्री खत्म है, अब खरीद बिक्री खत्म है, जनता असली चेहरा को चुन के इस बार लाएगी। चलिए क्या कहिएगा, आशीर्वाद तो ले लिया है इन्होंने भगवान से, जनता का प्यार मिलेगा कि नहीं? जनता का प्यार बेखूब मिलेगा, और मेरा ये मानना है एक युवा होने के नाते कि हमारा जो मेयर प्रत्याशी होना चाहिए उसके भूत और भविष्य दोनों का शोध हमें ठीक से करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे मेयर प्रत्याशी का काम मुख्य रूप से जन की सेवा है। इसीलिए हमारा मेयर प्रत्याशी, हमारा मेयर जन सेवक होना चाहिए, ना कि किसी और दौड़ से आए इस जीवन के। एक जन सेवक ही सही मायनों में पटना वासियों की निस्वार्थ भाव से जन सेवा कर सकता है। सुबह का टाइम है, लोग बहुत एकदम फुल पावर के साथ निकल रहे हैं, क्या बहुत एनर्जी लेके निकले हैं, और इसी उम्मीद से निकले हैं कि अब पटना एक बेहतर पटना बनेगा, और ये फुल कॉन्फिडेंस है, इसी एनर्जी से आए हैं और सपोर्ट करेंगे, इसी एनर्जी से रहेंगे, इसी एनर्जी से रहेंगे। चलिए क्या कहिएगा, आशीर्वाद ले लिया है सबने ना, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं हम लोग। हाँ। आप तो मीडिया वाले हैं, ये चीज़ भी प्रसारित कीजिए कि बिहार में नहीं पूरे भारत में ऑक्सीजन मैन का उपाधि रखा हुआ अभी तो है, अभी हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है। जब मतलब भारत सरकार और बिहार गवर्नमेंट फेलो हो गई थी, तब इन्होंने ऑक्सीजन जो है दी। फर्स्ट कोरोना काल में कम से कम लाखों आदमियों को खाने का पैकेट बांटे, सेकेंड कोरोना काल में हजारों हजार आदमी को ऑक्सीजन दी। अब इनसे बड़ा समाज सेवा का प्रूफ क्या होगा? जन सब फेल हो जाते हैं तो ये लोग निकलते हैं क्या? हाँ 100% श्योर, नो डाउट। मैं बताना, यहाँ के जन प्रतिनिधियों ने इनसे ऑक्सीजन जो है मांगी, और आज कम से कम हजारों आदमी जो है, आप मार्केट में जाके पूछिए, कह रहे हैं कि नहीं कमल नोपानी जी को ही वोट देंगे। लोग जो है ना, इनका मैनिफेस्टो होगा वो बताए, इन्होंने ये काम करके वोट मांगे हैं, और काम करने के बाद लोग कह रहे हैं वोट इन्हीं को। अगर और कोई मेयर प्रत्याशी है तो बताएं कि उन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं, और यहाँ तो इन्होंने काम किया है उसके बाद में वोट मांग रहे हैं ये। चलिए फुल एनर्जी के साथ लोग निकल रहे हैं, एक अच्छा शुरुआत। हमारी सरिता नोपानी जी 100% जीत रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो भी विपक्ष में खड़े हैं इनके ऐसा समाज सेवक कोई नहीं। क्या कहिएगा, सरिता नोपानी जी आशीर्वाद ले लिए, अब निकलने वाले हैं, आप लोग भी निकलने वाले हैं? पहले सिलेक्शन से मेयर होता था, अब इलेक्शन से होगा, और कमल नोपानी जी को यहाँ के विधायक लोग भी सपोर्ट लेते रहे बराबर, अब भाजपा के रामनवमी कमेटी जो चलती है उसमें भी सहयोग करते, इसलिए भाजपा जदयू RJD सभी लोगों को वोट देंगे। हम लोग तो पूरे पटना में घर घर घूमते हैं, लगभग कोई घर हम लोगों का छूटा हुआ नहीं है,
सब जगह कमल नोपानी कमल नोपानी। अरे बहुत लोग तो हमसे कहते हैं कि अरे गैस वो कोरोना समय में हमको वो गैस सिलेंडर आते थे, हम लोग बोलते थे कमल बाबू एक सिलेंडर दे दीजिए, तुरंत का तुरंत देते थे। नॉमिनेशन के लिए सरिता नोपानी और कमल नोपानी जी लोग निकल रहे हैं और सब लोग निकल रहे हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं। लोगों का क्या कुछ कहना था, एनर्जी कितना था वो आपने देख लिया है और अभी भी आगे आगे क्या होता है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें, धन्यवाद।